करोड़ों हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज प्रातः 6:10 पर मेष लग्न में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल के 6 माह के लिए खोल दिए गए। आमतौर पर केदारनाथ के कपाटोत्सव के मौके पर देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भोलेनाथ के जयकारों के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते आम श्रद्धालुओं को यात्रा करना पूर्णतः वर्जित है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाते हुए धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। यह क्षण इसलिए भी ऐतिहासिक है कि कल आदि गुरु शंकराचार्य की 1232वीं जयंती थी। ऐसा कहा जाता है उन्हें केदारनाथ धाम में महासमाधि मिली थी, जबकि पहली बार उत्तराखंड के चारों धामों के प्रथम यजमान भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पूर्व केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने के लिए महाराष्ट्र से आए केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग को कोविड-19 के चलते एहतियातन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। ऐसे में राहुल द्वारा केदारनाथ की आगामी 6 माह की पूजा अर्चना के लिए शिव शंकर लिंग मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत केदारनाथ कपाट खोल दिए गए हैं और अगले 6 माह के लिए भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना यहीं पर संपादित की जाएगी। भूपेंद्र भंडारी, पंजाब केसरी TV, रुद्रप्रयाग।